अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु हथियारों को खत्म करने को लेकर हुई बैठक बेनतीजा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच एटमी हथियार को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हो सका। वियतनाम की राजधानी हनोई में राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग उन के बीच ये दूसरी मुलाकात थी। दो दिन तक लगातार दोनों नेता वियतनाम की राजधानी हनोई में मिले, लेकिन उसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग उन ने पहले तो हनोई में अपने सहयोगियों के साथ एक गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मिक मलवनी भी मौजूद रहे, जबकि किम के साथ उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो शामिल हुए। ट्रंप और किम औपचारिक बातचीत से पहले और बाद में डिनर के लिए भी मिले, लेकिन इतने कवायद के बाद भी एटमी हथियार पर सहमति नहीं बन पाई। किम जोंग उन, who is he's quite a guy and quite a character, and I think our relationship is very strong. But at this time, we had some options, and at this time, we decided not to do any of the options, and we'll see where that goes. But it was a very interesting 2 days, and I think actually it was a very productive 2 days. But sometimes you have to walk. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 8 महीने पहले भी सिंगापुर में बैठक हुई थी, जिसमें उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार को खत्म करने के लिए रोडमैप तैयार किया गया। इस बैठक में उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार को खत्म करने पर सहमति बनने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप आगे क्या कदम उठाते हैं।